नमस्कार दर्शक, न्यूज 27 ओडिशा चैनल को आपण मानको स्वागत करुछि। मो स्वप्ना देखंतु नुआपड़ा जिला खबर। जय किसान मजदूर संग्राम परिषद पक्षरु धारणा, संपूर्ण खबर देखंतु। जय किसान मजदूर संग्राम परिषद नुआपड़ार आह्वान क्रमे परिषदर आवाहक श्री जदुमणि पाणिग्राही नेतृत्व में शताधिक चाषी कुरुमपुर विद्युत सबस्टेसन सम्मुखें धारणा और विक्षोभ प्रदर्शन करते। वेस्को निर्वाही जंत्री नुआपड़ कुरुमपुरी आसी चाषी तथा तो परिषदर आवाहक श्री पाणिग्राही सहित विद्युत समस्या उपरे विस्तृत आलोचना कर चाषी को प्रतिश्रुति देलापर आंदोलन प्रत्याहृत होता। वेस्को निर्वाही जंत्री जरिया मुख्यमंत्री उद्देश्य से 6 दफा दाबी पत्र प्रदान करमुना ब्लक शह शह चाषी गभीर नलकूप मध्यम रवि धान चाष कर जहां लो वोल्टेज और अघोषित विद्युत काट पर ध्वंस हो गला। छात्र छात्री परीक्षा देवा समय प्रबल ग्रीष्मताति साधारण उपभोक्ता ना नुर्दशा भोग कर तहिरे पुणी विद्युत दर वृद्धि लोक अतिष्ठ और असह्य कर अपेक्षा करी बसी नहीं कि आप आसिले जाए कि मत दाबी पत्र दे आप जोटा आज्ञा मत आसी आमर आप पांच छः जन भद्रवती आसते से ही दिन ठारू ही आम समस्यापाई जहाँ जहाँ आम लेवल करहब से आम रेगुलेसन कहीं स्टार्ट कलु दुई दिन है आगु तो करूँ रेगुलेसन लोड रेस्ट्रिक्शन करूँ आगु तो पावर कट करूँ जो आप पावर कट कहे बुझे एक्चुअली रेगुलेसन सर आम टेक्निकल लोड रेगुलेसन से भोल्टेज जेहतु ओवरलोडिंग भोल्टेज होती लोड कम्प्लीट भोल्टेज ता सहित आम बाकी जहाँ टेक्निकल ये सिस्टम रे जहाँ चेंजेस करा कथा सब समस्त प्रकार विकल्प आम कर सारे आपण मानक निश्चित इम्प्रुवमेंट होमें एठू भी जापर इटि भी दुई दिन पूर्व जहाँ भोल्टेज थी ए गला कालीर भोल्टेज प्रोफाइल अनुसार इम्प्रुवमेंट हो आउ सार गोटे जिनि आम धान पाजवा पर्यटन यार प्रतिपाद रे जय किसान मजदूर संग्राम परिषद कोविड महामारी संक्रमण को दृष्टि रखी मास्क और सामाजिक दूरता रक्षा करी आंदोलन को ओल्लाई वेस्को निर्वाही जंत्री आसी आलोचना करने सहित दाबी पत्र देवाक जिद करवाही जंत्री नुआपड़ चाषी दाबी पत्र ग्रहण करने सहित आलोचना आवाहक समय आज मोर नेतृत्व में बहुत चाषी भाई मैंने आईसते कुरुमपुरी सबस्टेसन अंचल शह शह डिबोरवेल विद्युत लो वोल्टेज एवं अघोषित विद्युत काटे आज चाषी सब धान मरीज अवस्था अच्छे मरी सारी बहुत चाषी तार विरुद्ध आज आम आसिक दायपत्र देलु। वेस्को एक्जिक्यूटिव इंजीनियर आसिक आम दायपत्र ग्रहण कले जवाब देछन जे लो वोल्टेज समस्या समाधान करबे बोलिकरि अघोषित विद्युत काट नहीं कर गोटे नियंत्रित उपाय निर्दिष्ट समय विद्युत काट हे बोली जवाब देछन एवं कोविड महामारी ये जेन आर्थिक भयंकर परिस्थिति समय राज्य सरकार जेन प्रकार विद्युत दर वृद्धि कर से विद्युत दर वृद्धि को आम प्रत्याहर करवा लगी आपण माध्यम रे दाबी करछु नचेत आगामी दिन रे चासी उपभोक्ता छात्र छात्री मानको नहीं करी आम जोरदार आंदोलन करमु। वेस्को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सबस्टेसन विभिन्न प्रकार स्टाफ सब ऑफिस को आम अचल करके तार जवाब देमु। मोर नाम शिवप्रसाद पात्र गाँव हूँ सिलेक्टपाणी आज कुरुमपुरी सबस्टेसन को आसती मेन समस्या हूँ आज लो वोल्टेज पूरा मोटर चलवाने आज्ञा पूरा लो वोल्टेज रे रोचे 150-200 रोचे मोटर एका नहीं चलवा आर दुई नंबर होचे अवशिष्ट विद्युत काटे मन मानी जिते बेले इच्छा करछन सेते बेले विद्युत के काटे दुछन आज्ञा लाइन काटे दुछन जार द्वारा चास ब्यागा दउचे ठीक से काम नहीं करवा चास मरी जउचे आज्ञा से लगी आमे अभियोग करवा लगी आमे आज कुरुमपुरी सब स्टेशन के आस्तिन होई एक कमना बोल आगा कहन तो केनता लो वोल्टेज होचे चास लो वोल्टेज लागी तो आज्ञा एटा बार बार फोन करा होचे लैंड डिपार्टमेंट के से माने का हसी लैंड डिपार्टमेंट होचे बार बार मोटर मन नहीं चलवा स्टार्टर पड़ी जाओ से ट्रांसफार्मर के धुआं उड़ुछे हेन्ता कह कथा मान नहीं आर कटा काटी दे सब महामुस्कर पीवा लगे पैन नहीं बाहर बार आज मोटर के मोर धनिया 4 kg करी मोर पूरा धनिया नष्ट हो गला मोर धान बिकवा लगे लेस हो गला मुझे क्या बुद्धि करते सब बाड़ मत हरान हो गली चाषी बुद्धि एका चालू करवार पलाना गला आज्ञा
ଇଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଇଗଲା, ଗୋଡ଼ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଗଲା, ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍ଗେ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ଗତମା ସୋରୁମ୍ ପାଖେ। ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଓଭରଲୋଡ଼ିଂ ପାଇଁ ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ପାୱାର ରେଗୁଲେସନ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ଲାଷ୍ଟ ଟୁ ଡେଜ୍ ହେବ ପାୱାର ରେଗୁଲେସନ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ, ଆଉ ଏହାର ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଆଉ ପଦମପୁରକୁ 132 KV ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି, ଯାହାକି ବିଫୋର୍ ସମର୍ ସରିଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଯେହେତୁ କାମ ମଝିରେ 6 ମାସ ହେଇପାରିଲାନି, ତେଣୁ ଡିଲେ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମେ ଜୁନ୍ ଏଣ୍ଡ ତକ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ। ଆମ ସିଆରଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଦଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ ଯେତେ ଅଛନ୍ ସବ ବୋର୍ୱେଲ୍ରେ ଆମେ ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ସଟ୍ ବିଲକୁଲ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଲାଗି ଆମର ସବୁ ଧାନ ଚଲ ମରିଯାଉଛେ। ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ଆସିକିରି ଆଜି ଗୁରୁପୁରୀରେ ସବେ ଏକତା ହେଇକିରି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲିକୁ ସବୁ ଜଣାଲୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ କହୁଛନ୍, କେତେ ଦିନ ସେଟା ସତ୍ କେମି ଯାଏ। ଯେନ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ଆମଟା ଥିଲା କମ୍ସେ କମ୍ 2016-17 500 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ, ତା ଡବଲ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍, ଏବେ 1000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ନେଉଛନ୍, ଏନ୍ତା କରି କାହିଁକି ବଢ଼ିଲା। ସେଥିଲାଗି ବି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣବାର୍ ଲାଗି ପାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ତଦାରଖ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। 500 ଟଙ୍କା 2016-17 ଥିଲା, ତାର ଡବଲ କାହିଁକି ରେଟ୍ ବଢ଼ାଗଲା। ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେବ ନାହିଁ ତଥା ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସମସ୍ୟାର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀରେ ଆର୍ଥିକ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସମୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ର ସମାଧାନ, ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ବନ୍ଦ କରିବା, ନୂଆପଡ଼ା ଭେରା ଗ୍ରିଡ୍ ଷ୍ଟେସନରୁ କୁରୁମ୍ପୁଟ ସବ୍ଷ୍ଟେସନକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ କରିବା, କୋମରା ବ୍ଲକ୍ରେ ଆଉ ଏକ ଗ୍ରିଡ୍ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନା କରିବା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଖାଲି ଥିବା ପଦପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା, ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଓ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପରିଷଦର ଆବାହକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିଷଦର ସହ ଆବାହକ ଶ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଶଙ୍କର ଅହିର, ସନ୍ତୋଷ ବିଶ୍ୱାଳ, ମହେଶ ରାମ ଅହିର, ମୋହନ ସାନି, ଶିବ ପାତ୍ର, ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୁମନା ବ୍ଲକରୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମଟାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶା।